तो हम लोग पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। तो कोलाइड्स में नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोस्मोसिस किसको बोलते हैं? मोमेंट ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी प्रिवेंटेड बाय सुटेबल मीन्स सच एज यूजिंग अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिस्पर्स पार्टिकल को हम लोग एक मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो ये क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रेजेंस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्मोसिस यूज करके हम लोग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय यूजिंग डिफरेंट कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अगर एक मिक्सचर दिया है उसमें अलग अलग टाइप्स के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कॉगुलेशन क्या होता है? द प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विथ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। ठीक है, तो कोलाइड्स का अगर प्रिसिपिटेशन बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं। तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। तो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होता है? एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। नेक्स्ट है फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ लायोफ्रोबिक कोलाइड्स रिमूवल ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो प्रिसिपिटेट फॉर्म करने के लिए लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है? चार्ज को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है द सिचुएशन विद लायोफिलिक कोलाइड इज ए लिटिल डिफरेंट। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स लिख लो, ये लास्ट और उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेथड टू इफेक्ट कोगुलेशन। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो कोगुलेशन करने का मेथड्स है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड गेट डिस्चार्ज एंड प्रिसिपिटेटेड। ठीक है, ओपोजिट चार्ज की तरफ कोलाइडल पार्टिकल मूव करता है। अगर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके तरफ नेगेटिव पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है देखो बाय मिक्सिंग टू ओपोजिटिवली चार्ज सोल। ठीक है, दो चार्ज एक कंटेनर में मिक्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ओपोजिटिवली चार्ज सोल व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में मिला है, जैसे 1:1 पॉजिटिव और नेगेटिव भी 1:1 है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो बाय बॉइलिंग में क्या दिया? व्हेन अ सोल इज बॉइल्ड, ठीक है, एडजॉर्प्शन लेयर इज डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कोल्यूजन विथ मोलिक्यूल इन डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, सोल को अगर बॉयल करोगे तो एडजॉर्प्शन लेयर इज डिस्टर्ब हो जाता है और कोलिजन भी इंक्रीज हो जाता है विद डिस्पर्सन मीडियम। दिस रिड्यूस चार्ज ऑन पार्टिकल्स, चार्ज ऑन पार्टिकल्स पे ये रिड्यूस हो जाता है, कोलिजन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बाय बॉयलिंग करने के बाद एंड सब्सिक्वेंटली सेटलिंग डाउन एज ए प्रिसिपिटेट और एज ए पीपीटी ये नीचे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। तो ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन सोल आर रिमूव ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग डायलिसिस करने के बाद क्या होता है? सोल को रिमूव कर देते हैं, द कोलाइट्स देन बिकम कॉन्स्टेबल एंड फाइनली प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये लिख लो।